हुए चावल का टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पे बचे हुए चावल ले लिए, ढेर सारा मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के डाल दिया इसके अंदर, बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें डाल देंगे एक कटोरी गेहूँ का आटा और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे जितनी ज़रूरत होगी, हमें बिल्कुल एकदम नरम डो लगाना है। और यहाँ देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक तवे पे बटर डाल दिया और डो को अच्छे से फैलाएंगे और हाथ पे हल्का हल्का पानी लगा के इसको फैलाना है क्योंकि डो चिपकता है और पानी लगाने से वो चिपकेगा नहीं। तो अच्छे से मैंने फैला लिया, एक साइड से हमने अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, फिर दूसरी साइड से हमने अच्छे से पलट लेना है और साइड साइड में हमने तेल या बटर जो भी आपको लगाना है लगा के अच्छे से सेक लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने लास्ट वाला भी अच्छे से बना लिया है और इसके ऊपर हमने डाल देना है बटर। तो इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।